तो नमस्ते, जय जगन्नाथ, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका सुब्रत। तो आज हम जा रहे हैं बोलाणी, आपको याद होगा, बड़बिल से सीधा रास्ता जाता है और कलिंगा होके जाता है। तो आज हम ड्यूक में जा रहे हैं। ड्यूक गाड़ी थोड़ा चंगा है तो दिखा दो। पूरा चंगा है जी। मेरा तो काफ़ी दिन से सपना था कि मैं किस दिन ड्यूक चलाऊंगा, लेकिन आज मेरा सपना पूरा हो रहा है, तो धन्यवाद देता हूँ। तो ये गाड़ी आप सोच रहे होंगे मेरा नहीं है, ये मेरा दोस्त, मेरा बेस्ट फ्रेंड, इसी का है। बचपन से हम लोग साथ में थे, तो हम बोले थे कि जो मेरा होगा वो तेरा होगा, तो ये कुल मिला के अपना ही होगा। इसका ही है भाई लोग, इसका ही है। तो हम आज जा रहे हैं घूमने के लिए। ये दोस्त मुझे मिलने के लिए आया है, काफ़ी दूर से, लगभग 60-70 किलोमीटर, 90 किलोमीटर दूर, सॉरी, दूर से आया है। तो काफ़ी खुशी है। अभी हम लोग पार्टी शार्टी नहीं करेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे। चलो चलते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं बोलाणी, तो हेलमेट दोस्त के पास है, तो आज नहीं पहने हैं, तो चलेगा, कोई बात नहीं। आज मेरे साथ है संदीप, जो उसका निक नेम राजा है, आप लोग पहचाने होंगे, मैं तो पहचानता हूँ। तो चलते हैं, ये जर्नी बहुत मज़ा आने वाला है। ये सीट थोड़ा ऊपर है, ये ड्यूक का सीट थोड़ा ऊपर है, तो मैं थोड़ा पहली बार बैठ रहा हूँ, तो अनकम्फर्टेबल थोड़ा फीलिंग हो रहा है, लेकिन चलेगा, कोई बात नहीं। तो मिलते रहेंगे इसे रास्ते में, खुशी हो। तो ये गाड़ी है, ये आगे तरफ दिखा रहा है, तो इसमें जितना भी गियर लगेगा, जितना भी तेल का टैंकी है, सब दिखा देगा उसमें इंडिकेटर में। मतलब ये गाड़ी चलाने बहुत ईजी है, मतलब थोड़ा सा समझदारी अगर आपके पास है तो आप चला सकते हैं। जब मैं पहली बार चलाया था, तो मैंने देखा था कि इधर इधर सब सिग्नल होता है, तो राजा ने भी बोला सिग्नल है, तो मैं थोड़ा चला पाया। तो ऐसा ही, ये गाड़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी स्पीड भी अच्छा है, माइलेज भी थोड़ा अच्छा है शायद। तो ठीक है, चलिए मिलते रहेंगे। अभी हम लोग हेलमेट पहन चुके हैं, तो मेरा दोस्त हेलमेट का अंदर है, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अभी दिखाई देता हूँ। तो चलिए, अभी स्कूल का छुट्टी हो रहा है, चलते हैं, इधर रहेंगे। इधर 5 रुपया बना बिरयानी मिलेगा का? 5 रुपया का? हाँ। कितने कितने मिले ऐसी? कौवा बिरयानी है जी। कौवा बिरयानी? और उसे दिल्ली से? दिल्ली? हाँ, दिल्ली तो अभी बहुत दूर है, मन बना लो तो दिल्ली भी दूर नहीं होता जी। तेरी इधर इंटेक है? अच्छा, अरे वो कोपचा भी दिखा दो। हाँ, यहाँ पे दारू का दुकान ऐसा कोपचा में रहता है, लेकिन आप तो जानते हैं हम सीधा साधा इंसान हैं। बाइक में हम लोग घूमते थे, एक क्या रहे थे उसका नाम था, राजदूत में घूमते थे। तुम्हारा भी एक बाइक था ना भाई? हुँ? तुम्हारा बर्थडे में गिफ्ट मिला था, तो बाइक कौन सा?
कौन सा तुम्हारा भाई गिफ्ट मिला था ना। हाँ तो ये वाला फिर अच्छा वाला भाई गिफ्ट मिला फिर ना, बहुत लकी भाई। अरे वो भी शादी के बाद मिला, शादी के बाद मिला गिफ्ट, ताकि लड़का होशियारी ना दिखा। अच्छा अच्छा ये बाइक छोड़ के तो जा नहीं सकता। नहीं बराबर, तो अपने को तो खुला छोड़ दिया, इधर घूम तुम, मैं घुमा घुमा कितना घूमूंगा, वापस आ गया। आना है इतना देर बोलते हो गया बोल। तो पुलिस है, हमको थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन डरने का नहीं, हेलमेट है अपने पास, हेलमेट लाइसेंस बराबर है। हेलमेट लाइसेंस है, तो भाई ने सब निकाल लिया, ड्यू के साथ साथ हेलमेट लाइसेंस सब निकाल लिया, लेकिन अपने पास तो लाइसेंस नहीं है। मैं अप्लाई करूंगा, सोच गई अपना दिन सोच में रह गया, गाड़ी को हाथ लेना हो गया, फिर भी लाइसेंस नहीं निकाला। पे शायद मार्केट है, शायद नाइट बस है, रात को जाता है, ये बहुत बड़े ग्राउंड है, इधर मैच होता है शायद, यहाँ पे खेले थे क्या हम लोग, वहाँ पे खेले थे क्रिकेट शायद, लग रहा है दूसरा वाला फील्ड, मैं जीरो में आउट हुआ था, मेरे को याद है वो पहला बॉल ओपनिंग किया था भाई, कितना उम्मीद से बुलाया था लोग ने भाई, ये मारेगा। रास्ता भूल गया बे। अरे बाप रे। अच्छा वो बताओ। हम अभी किसके पास जा रहे हैं? बहन के पास। अच्छा तुम्हारा बहन यहाँ भी है? हाँ। बहुत मजा आ रहा है दोस्तों, अभी हम लोग बोलानी में हैं। कौन सा शौक है, भगवान का मूर्ति है पीछे, तो ऐसा बहुत मज़ा आ रहा है। अभी मैं गाड़ी चलाने वाला हूँ, तो थोड़ा लगाएंगे ना, अभी मैं गाड़ी चलाने वाला हूँ, तो ध्यान रखिएगा अपना, मैं हेलमेट पहन के ही चलाऊँगा, ऐसा नहीं है कि बड़ा गाड़ी मिल गया तो ऐसा हीरो बनना क्या, हीरो नहीं बनने का कभी भी, अपना जो सेफ्टी है उसको ध्यान में रख के आगे पीछे देख के चलने का। तो मिलते हैं फिर। ये सब कॉलोनी सब है आपकी कोई भी? मुझे याद है आज भी, हम लोग पिछली बार जब बाइक में घूमे थे तो एक हीरो होंडा का बाइक था, तो आज दुनिया बदल गया है, हमारा गाड़ी भी बदल चुका है। तब बहुत अफसोस लगता था कि ऐसा बाइक हमारा भी होना चाहिए, आज ड्रीम पूरा हो गया। इधर जाना, इधर से जाना है, लेकिन इधर घूमेंगे तो चलो एक राउंड मार लेते हैं। मारते हैं ना, जिंदगी में कितना राउंड मारेगा, सब मार के इधर ही काम आएगा, दुनिया गोल है, इसलिए तो दुनिया इसीलिए गोल गोल ही घूम रहे हैं, गोल गोल ही। और ये बोलानी का हॉस्पिटल पूरा चोखा है, यहाँ पे हर रोग का इलाज होता है, आपको अगर कैंसर हो या पैर का बीमारी हो, हार्ट टूटा हो, तो सभी इलाज यहाँ पे होता है बलानी में। तो ये बलानी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, थोड़ा हॉस्पिटल की तरफ भी दिखाइए सर जी। हाँ हाँ, हॉस्पिटल, हाँ ये हॉस्पिटल इंदौर, ये देख लिया ना पाजी, वो पाजी ये पुराना वाला गाड़ी तो है, देखो ये मेरा फेवरेट गाड़ी था बचपन में, अभी तो नहीं, अभी तो चल भी नहीं सकता ये। और अभी सुब्रत जी चला रहे हैं गाड़ी। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा पूर्ण नहीं जाना रे, सच्चा मेरा प्यार है जान तुझे दिया है, बचपन का प्यार मेरा पूर्ण 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 नहीं जाना रे। ले जिंदगी हम सब है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
बस यार कितना गाना क्यों बोल रहा है अभी कुछ फीलिंग्स वीलिंग्स नहीं है अपन का, थोड़ा मूड बनाते हैं क्या? हाँ अभी चिल्लर भी तो इकट्ठा नहीं कर सकते तो मिलेंगे चिल्लर इधर, सब कोरोना का डर के वजह सब घर के अंदर छुपे ला है, चिल्लर तो उतने मिले ऐसे जितने मार्केट हो गया सी। मैं जब गाना गाता था पुणे में तब बहुत चिल्लर मिलता था मुझे रूम भी बहुत गाली मिलता था काफी लोग तो उठ के आ गए थे भाई, दारू का भी पैसा निकल जाता था। दारू वारू तो भाई हम बचपन से नहीं पीते हैं, क्या बोलूँ उसके बारे में। अच्छा। हम सिर्फ डेली दूध पीते हैं तो। अच्छा पैसा क्या? ये कल्याण मंडप है यहाँ पे, अगर शादी उदी करना है तो आ जाना ये भाग के। और ये मंडप का एक खासियत है, अगर आप भाग के भी आएंगे ना तो यहाँ पे शादी करवा देते हैं, पैसा थोड़ा ज्यादा लगेगा तो भाग के जरूर आना। तो भाग के आना तो ये ट्रेंड फॉलोअर चैनल को भी मिलना, क्योंकि ये आपका भी ब्लॉग बना देगा और ये रहा फील्ड, ये फील्ड दिखाया भाई। थैंक यू। हाँ थैंक यू का बोर्ड भी दिखा देते हैं ताकि मालूम चले। और यहाँ पे सब्जी मार्केट लग रहा है आरोटा भी अच्छी पर ये मोबाइल मैंने पबजी खेलने के लिए लिया था। अच्छा खेल रहा है? पबजी नहीं खेलता अभी। तो क्यों लिया? अभी फुटबॉल खेलता हूँ, थोड़ा बस स्टैंड घूमते हैं। हाँ चलो। अभी हम लोग बोलानी बस स्टॉप में है, अभी हम लोग बोलानी बस स्टॉप में है। हालांकि ये बस स्टॉप फाँका फाँका सब है, मतलब ज़्यादा गाड़ी यहाँ पे नहीं है। सबसे बड़ा बस स्टैंड बोले तो अपना कलिंगा में है और बड़बिल में है, नया बस स्टैंड जो बना है। ये सब नॉर्मल यहाँ पे ज़्यादा लोग भी रहते नहीं ना, तो ये बस स्टैंड थोड़ा छोटा है, तो छोटा नहीं कह सकते। ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया। हाँ शुरू होते ही ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे चना वगैरह भी नहीं मिलता है। चना कहाँ से खा के दिखाएं आपको? तो बेल्ट का दुकान है उधर, बेल्ट मिलता है सस्ता में। अच्छा ऐसा क्या? इधर दुकान वकान सब है, इधर गैरेज है, बंदा बहुत मेहनत से काम। और ये सामने मामू का गाड़ी भी जा रहा है, देख रहे हो कि नहीं? हाँ मामू का गाड़ी जा रहा है, तो मामू अपना भाई लगता है और आप उनको दादा बुलाने का। अच्छा कालू दादा तो ये साइड में एक जंगल भी है, तो जंगल को कभी भी जंगल मत समझना, वहाँ पे काफ़ी सारा राज छुपा हुआ है। जंगल में मंगल भी हुआ था। हाँ मंगल मंगल सब, मंगलवार बुधवार सब है, बुधवार तो शायद पुणे में होगा तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, तो ऐसे अभी धीरे धीरे जा रहे हैं क्योंकि अभी ये काम खत्म हो गया। सिटी का रोड है, काम तो खत्म हो गया, ये सिटी का रोड है। सिटी मतलब यहाँ का अभी स्कूल भी छुट्टी है, मतलब स्कूल तो नहीं है लेकिन यहाँ पे बच्चा लोग खेलते रहते हैं अक्सर। गांव का इलाका में क्या होता है, जो खेलने के लिए जगह बहुत कम मिलता है क्योंकि बहुत सारा घर वगैरह रहता है, तो रोड पे चले बच्चा लोग रोड पे भी खेलते 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 आ जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे धीरे धीरे जा रहे हैं ताकि गलती से किसी को भी हमारा वजह से नुकसान ना हो, ताकि ज़िंदगी में सब खुश रहे, सभी खुश रहने से ज़िंदगी में भलाई होने वाला है। वो लड़की भी है, कैमरा मैन दिखाओ मार लगेगा। ठीक है अभी भी जलता है क्या भाई? नहीं भाई अपन सेटिंग करेगा तो तुम्हारा क्या प्रॉब्लम भाई? अच्छा कर 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 अभी क्या पीछे मार खाएगा? तो मैं तो लिफ्ट मांग रहा था, बोल रहूँगा मेरा कहा जाता है अपन को मारने वाला तो अभी भगवान है भगवान चाहेगा तो मार सकता है, किसी से भी मरवा सकता है, लेकिन हम ऐसा गलत काम तो करेंगे नहीं। अच्छा दोस्तों आप बताओ कोई अगर किसी को लाइक करता है तो उसमें उसका क्या क्या गुनाह है बोलो? या हमें अगर ताजमहल पसंद है तो ताजमहल को पसंद करना गुनाह है क्या? नहीं ना, तो वैसे लड़की भी ताजमहल की तरह होती है और हम सबको पसंद रहता है, लेकिन किसी को मिलता है क्या? किसी एक दो को मिलता है, जैसा मेरा दोस्त को राजा को मिला है जैसा हम तो ज़्यादा लड़कियों के पीछे भागते नहीं हैं, नहीं तो हम भी थोड़ा सीधा सीधा नहीं है, ऐसा मत समझो।
तो देखो जिंदगी में काफ़ी सारे बातें ऐसा होती रहेगी, लेकिन लाइफ में कभी भी मतलब सीरियस नहीं होने का, बिंदास रहने का, ये मुझे अपना दोस्त ने सिखाया है कि हमें बचपन में काफ़ी सीरियस रहता था, बंदा बिंदास रहता था। तो मुझे बाद में समझ में आया जब मैं आगे आगे पढ़ते गया तो आगे आगे दुनिया घूमते गया तो मुझे पता चला कि रियल एंजॉय तो बिंदास रहने में है। चला इधर उधर टेंशन में लेके इधर झाड़ियाँ उखाड़ना वो झाड़ियाँ उखाड़ना तो ज़िंदगी में क्या उखाड़ा भाई, एक बार बिंदास में रहो, फैमिली संभालो भाई, इजीली घर में रुको, बस चिल, दैट इज लाइफ ऑल अबाउट। और बस इतना और कितना ये बुलाने का और ये मेन माइंड है जी का स्टैचू है, क्योंकि बीजू पटनायक जी ये माइंड जितना भी इलाका में माइंड से उनका स्थापना की थी, कितना मसीहा में स्थापना की थी वो तो मैं नहीं बता सकता, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन उन्होंने किया था, उन्होंने काफ़ी सारा जो आज ओडिशा डेवलप है, ये बड़बिल कोलानी एरिया डेवलप है उनका वजह से, बीजू पटनायक जी की वजह से। तो हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि अगर माइंड नहीं होता तो हम भी यहाँ पर नहीं होते शायद गाँव में होते। तो चलिए मिलते रहेंगे ऐसे ही, आगे अब आप इधर आगे तो भाई लफड़ा हो जाएगा। अबे यार मुझसे तो बोलो मोबाइल तो खाली नहीं रहते, अबे डायलॉग खुद से बोल यार, जिंदगी बना दिया जिंदगी। हाँ ये तो फिल्मों में लोगों बोलते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में होता है कि नहीं मुझे भी पता नहीं, झंडुआ घमंडुआ, लेकिन ज़िंदगी तो भाई मुझे इतना पता है कि मेहनत नहीं करोगे तो भाई जिंदगी जिंदगी जैसा नहीं लगेगा, जिंदगी ती बराबर है। कहते हैं जमाने वाले बस यार उधर। तो भाई ड्यूक चलाने में बहुत मजा आ रहा है भाई, मैं सोच रहा था ये गाड़ी का भी फास्ट होगा काफ़ी ये, लेकिन ये गाड़ी बहुत स्मूथ है चलाने के लिए, बहुत इजी लग रहा है। तो कोई भी अगर चलाए तो ये कभी भी चलाए तो हेलमेट पहन के चलाए ताकि अच्छा लगे, ताकि सेफ रहे, क्योंकि काफ़ी स्पीड में भी जा सकते हैं, लेकिन अभी काफ़ी स्पीड में भी हम लोग जा सकते हैं, लेकिन अभी क्या अभी सब बड़ा बड़ा गाड़ी वगैरह आ रहा है वहाँ पे, जब देख सकते हैं बड़ा बड़ा गाड़ी वगैरह आ रहा है, तो ये जो बड़ा बड़ा गाड़ी आ रहा है ना, ये बड़ा बड़ा गाड़ी आ रहा है तो उनका कुछ भी भरोसा नहीं है, उनका कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी मतलब इधर उधर ठोक सकते हैं। तो काफ़ी सारे एक्सीडेंट वगैरह भी रास्ता में हुआ है, लेकिन तो एक्सीडेंट किस लिए होता है दोस्तों, अगर आपने सही चलाया किसी और ने ठोक दिया इसका वजह से भी हो सकता है, या तो वो सही चला रहे और आपने इधर उधर चलाया तो उस पर उसका वजह से भी हो सकता है, अगर वो सही चलाए और हम सही चलाए तो इस यहाँ पर एक्सीडेंट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से सही चला सकते हैं, तो हमने सही चलाया तो एक्सीडेंट होने का चांसेस काफ़ी कम है। तो चलिए अभी आपस जा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा रुके थे, यहाँ पर एक छोटा सा दुकान है तो यहाँ पर कुछ नहीं खाएँगे, आगे चलते हैं, तो फिर मिलते हैं दोस्तों बाइक राइडिंग के साथ। वहाँ तो जाऊँगा ना। हाँ सब सुनाई देता है, आरिया स्टील प्लांट है यहाँ पे, मेरा दोस्त काम करता है साढ़ू भाई मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, और सुब्रा काम करता है, तुम्हें अच्छों को पकड़े हैं, और कौन करता है, और कालू काम करता है, और यहाँ पे काफ़ी सारे दोस्त लोग यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा सुनो ना, किस टाइम पे जीवा पड़ा? अरे प्लान है, नहीं पता नहीं।
सॉरी प्लांट है, काफ़ी बड़ा है प्लांट यहाँ इस एरिया में, काफ़ी बड़ा प्लांट है ये, सबसे बड़ा प्लांट इस एरिया में है। पहले तो अपना कलिका नगर का प्लांट था, लेकिन कलिका नगर का प्लांट अभी बंद हो चुका है, तो इस एरिया में इस एरिया के लोगों को ये आर्या प्लांट संभाल रही है। तो काफ़ी लोग यहाँ पे काम करते हैं, लगभग 10,000 के ऊपर लोग यहाँ पे काम करते हैं। ये स्टील का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जो स्टील का जो छोटा छोटा जो लोहे का पत्थर से छोटा छोटा जो और मंगाने जैसा निकलता है उसको फॉरेन में जाके स्टील बनता है, तो इसका काम यही है। तो ये काफ़ी और इसका पेमेंट भी मिल जाता है 10 तारीख के अंदर, क्योंकि मेरा दोस्त लोग काम कर रहे हैं वो लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारा मेटल अभी लोडिंग अनलोडिंग हो रहा है, आप जैसे देख सकते हैं आगे। तो इस प्लांट के अंदर तो हम जा नहीं सकते, यहाँ पे अलाउड नहीं होता, तो हम चलते हैं अभी वापस। प्लांट का भी अच्छा साफ सुथरा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या है यहाँ पे लोहे पत्थर का मैन्युफैक्चर हो रहा है, लोहे पत्थर से और मंगनीज हो रहा है, तो उतना गंदगी तो होगा। तो काफ़ी सारा लोगों का, यहाँ का जो लोकल लोग है उनका रोजी रोटी इसी प्लांट के ऊपर से चलता है। तो धन्यवाद देता हूँ पुनीत आर्या जो इसका CEO है, मैं उनको मेल भेजा था मेरा जॉब के लिए, तो उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया है। तो कोई बात नहीं, चलेगा, होता रहता है बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बात, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है इस प्लांट में। मेरा भी एक सपना है प्लांट में एक CEO बन जाऊँ, सपना तो देखना चाहिए। सही बात है यार, मेरे मुखड़ा को देख रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा।